चार की के क्वेश्चन नंबर दो को हल करेंगे। दो में दिया है दो कोण के पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंक अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पहला कोण बराबर यक्ष अंश तथा दूसरा कोण बराबर वाई। क्योंकि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसलिए पहली शर्त के अनुसार यक्ष अंश प्लस वाई अंश इक्वल टू 90, ये हमारा पहला समीकरण। आप प्रश्न की दूसरी शर्त निकलेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार देखिए, दूसरी शर्त कह रहे हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक। छोटा कोण माना एक्स, बड़ा कोण वाई। देखिए प्रश्न कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक। तो जो ये छोटा कोण है दूसरे कोण अर्थात वाई के 3/5 गुने, 3/5 गुना कर लेते हैं। छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। तो ये जो छोटा कोण है दूसरे कोण के 3/5 गुने से ये 10 अंश अधिक है। इसको अगर हम 10 अंक अधिक कर देते हैं तो फिर दोनों बराबर होंगे। आप इसको सरल करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, y का पद इधर ले आएंगे, x माइनस 3y/5 बराबर 10। इसके बाद बटे से 5 हटाने के लिए दोनों ओर 10 से गुणा कर 5 से गुणा कर देते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 5/50, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। आप समीकरण एक और दो में किसी एक गुणांक को बराबर कर लेंगे, चाहे x का गुणांक बराबर करें चाहे y का। देख रहे हैं दोनों समीकरणों में से y का गुणांक समान करते हैं, जिसमें देख रहे हैं पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है तथा दूसरे समीकरण में y का गुणांक 3। तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1×3 तथा समीकरण 2×1। देखिए गुणा करेंगे, समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करना है, ये बन जाएगा 3x+3y बराबर 3x+3y बराबर 927। तो ये हमारा 270 मिल गया, ये मान लेते हैं तीसरा पद। और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा 5x-3y बराबर 50, ये हमारा मान लेते हैं चौथा पद। आप समीकरण 3 और 4 में देख रहे हैं कि y के गुणांक समान है और दोनों का चिन्ह भी विपरीत है। गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत। तो जब चिन्ह विपरीत होता है तो दोनों समीकरणों को सीधा जोड़ देते हैं, और अगर चिन्ह समान होता है तो फिर घटाते हैं। तो देख रहे चिन्ह विपरीत है इसलिए सीधे जोड़ेंगे, तो y का पद दोनों से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल कर देते हैं। और x वाले पर देख रहे हैं दोनों समान चिन्ह में जुड़ जाएंगे,
पांच एक्स और तीन एक्स मिल करके आठ एक्स आ गया बराबर, इधर भी आप जोड़ लेंगे सात पांच बारह, दो मिल गया एक आया दो एक तीन, 320 बराबर आ जाएगा 320 बटे आठ, काट दिए आठ सौ बत्तीस जीरो, एक्स बराबर 40 निकल गया। अब इस यक्ष के मान को समीकरण एक में रख देंगे, लिख लेंगे यक्ष के मान को समीकरण एक में रखने पर एक में रख देते हैं, यक्ष की जगह हमने 40 रख दिया, 40 प्लस वाई बराबर 90, तो वाई बराबर मिल जाएगा 90 माइनस 40 अर्थात 50, वाई का मान 50 निकल आया। इस प्रकार पहला कोण बराबर 40 और दूसरा कोण बराबर 50, यही हमारा उत्तर हो जाएगा।